कैसा है फिलहाल बारबाडोस का मौसम? मैच के दौरान कैसा रहेगा वहां का मौसम? क्या भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये फाइनल मैच संभव हो पाएगा? अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या है आईसीसी का पूरा नियम इस फाइनल को लेकर? अगर मैच टाई होता है तो क्या होगा? क्या है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हेड टू हेड कॉन्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप में और T20 इंटरनेशनल दोनों में? और अंत में भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर, जानेंगे पूरे विस्तार से। मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका क्रिकेट किला। सबसे पहले बात करेंगे बारबाडोस के मौसम, वहां पे फुल वेदर जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में सबसे पहले जाने। फिलहाल में बारबाडोस में रात का समय है और वहां पर तेज बारिश के साथ साथ तेज आंधी और तूफान भी है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के दिन जब वहां पर सुबह होगा बारबाडोस तो कैसा रहेगा वेदर, घंटे के हिसाब से आवरली आपको दिखा रहा है स्क्रीन। खबर कुछ अच्छी नहीं है, 44% वहां पर बारिश का चांस है और कंटिन्यू है पूरे दिन रात तक बारिश का वहां पर चांस। तो ऐसे में हो सकता है कि मैच ना हो पाए और बारिश मैच में विघ्न डालेगा, ये तो पूरा संभव है। लेकिन हम आशा करते हैं कि हमें फुल मैच देखने को मिलेगा। जैसे गुयाना में कहा जा रहा था कि मैच संभव नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 96% रेन का चांस, यहाँ पर महीने में 26 दिन बारिश होती, लेकिन अंत में हमें फुल मैच देखने को मिला और उसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो एक भारतीय फैंस होने के नाते हम ये जरूर चाहेंगे कि हमें पूरा फुल मैच देखने को, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाया तो क्या होगा? आईसीसी ने इस मैच के लिए 190 मिनट एक्स्ट्रा अलॉट किए हैं, यानी कि 190 मिनट तक हम कोई ओवर लूज नहीं करेंगे। यानी इस मैच का जो समय सीमा है उसको 190 मिनट तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बढ़िया खबर यह है कि आईसीसी ने एक रिजर्व डे भी अनाउंस किया है संडे का। अगले दिन रिजर्व डे होगा, लेकिन पूरा कोशिश किया जाएगा कि मैच सैटरडे को यानी कि आज ही संपन्न हो जाए। और इसका रूल यह है कि कम से कम 10 ओवर पर साइड का मैच होना चाहिए, तभी मैच हो पाएगा, उससे कम मैच संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव आज नहीं हो पाता है तो अगले दिन रिजर्व डे के दिन मैच खेला जाए। और अगर मैच टाई हो जाता है तो फिर क्या हो? तो जैसा हर बार होता है सुपर ओवर, और अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो फिर सुपर ओवर, तब तक सुपर ओवर होता रहेगा जब तक कि कोई विनर फाइनल ना हो जाए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है? अभी तक 26 T20 इंटरनेशनल दोनों के बीच हुआ है, जिसमें भारत का स्लाइटली अपर हैंड है। भारत अब तक कुल 26 खेले गए मैचों में 14 में जीत हासिल किया है, जबकि साउथ अफ्रीका को 11 में जीत हासिल। तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच, लेकिन एक स्लाइटली अपर हैंड भारत के लिए आप बोल सकते। लेकिन बात करें जब T20 वर्ल्ड कप की, तो वहां पर भारत ने टोटली डोमिनेट किया है। अब तक खेले गए कुछ 6 मैचों में भारत ने साउथ अफ्रीका को 4 मैचों में शिकस्त दी है, जबकि 2 मैच भारत हारा है, जिसमें से एक मैच जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था 2022 में, वहां पर भारत को साउथ अफ्रीका ने हराया। तो कुल मिलाकर इन दोनों टीमों में भारत थोड़ा सा फेवरेट जरूर माना जाएगा। जो भारत की कॉम्बिनेशन है, जो भारत ने इस थ्रू आउट टूर्नामेंट में जो क्रिकेट खेला है, जो उनकी कॉम्बिनेशन है, जो एडेप्टेबिलिटी है उनकी कंडीशन को लेकर, उसके हिसाब से जो मैचेस भारत ने जीते हैं, लगभग सारे मैच भारत ने पूरे डोमिनेंट तरीके से जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका का ज्यादातर मैच क्लोज हुआ है। वो नेपाल के साथ ले लीजिए या बांग्लादेश के साथ ले लीजिए, आप 1 रन से नेपाल के खिलाफ, 4 रन से बांग्लादेश, तो काफी क्लोज मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। हालांकि अभी वो भी अभी भी अनबीटन है और भारत भी अभी तक अनबीटन है, लेकिन भारत ने जो मैचेस जीते हैं वो पूरा डोमिनेंट तरीके से। एक पाकिस्तान का मैच छोड़ दे जहां पे मैच थोड़ा क्लोज हुआ था, तो भारत ने सारे मैच काफी कंफर्टेबल तरीके से। तो भारत का अपर हैंड जरूर रहेगा इस फाइनल में, भारत फेवरेट बनकर जाएगी। दोनों ही टीमें चोकर्स हैं। साउथ अफ्रीका के बाद लंबे समय से ये टैग है, भारत के पास 2013 के बाद से ये टैग आया है। 2013 में भारत आखिरी बार कोई ऐसी टूर्नामेंट जीत पाया था महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में, जो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी था। उसके बाद भारत लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेल हुआ है और ज्यादातर टूर्नामेंट्स में भारत या तो फाइनल में आ रहा है या सेमीफाइनल में। तो चोकर्स का टैग 2013 के बाद भारत के साथ चिपका हुआ है और भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो ये टैग हटाए, जबकि अपना पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप खेल रही साउथ अफ्रीका किसी भी तरह से ये मौका गंवाना नहीं चाहेगी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है, बहुत बैलेंस, उनके पास जो पेस बैटरी है वो काफी तगड़ी है और भारत के पास उनसे बेहतर स्पिन है। बैटिंग की बात करें तो भारत के पास बेहतरीन बैट्समैन है जो इन फॉर्म है, जो इस टूर्नामेंट में रन बनाते आ रहे हैं। शिवम दुबे और विराट कोहली को छोड़ दे तो सभी बल्लेबाजों ने रन बनाया इस पूरे टूर्नामेंट, जबकि साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की तरफ से रन नहीं आए, कोई भी बल्लेबाज उनका वो रंग में वो फॉर्म में नहीं दिखा है इस पूरे टूर्नामेंट। उनको जो भी मैच उन्होंने जीते हैं वो अपने गेंदबाजी के दम पे। तो ये रही कुछ एनालिसिस और अंत में सबसे बड़ी खबर,
जो भारतीय टीम या भारतीय फैंस नहीं चाहते वही हुआ। भारत ने 2013 के बाद से जितने भी आईसीसी नॉकआउट्स मैचेस हारे हैं उन सब में एक कॉमन अंपायर रहे हैं और जिनका नाम है रिचर्ड केटरब्रॉक। हाल ही में 2023 वनडे वर्ल्ड कप जो भारत हारी थी उसमें भी यही भारत के अंपायर, ये भारत के लिए काफी ज्यादा अनलक्की अंपायर माने जाते। आप लाइन से देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 का सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी फाइनल, 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2022 का T20 सेमीफाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, सब में यही अंपायर रहे। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि इस बार वो ऑन फील्ड अंपायर नहीं, उन्हें टीवी अंपायर रखा गया, लेकिन फिर भी वो मैच में तो इन्वॉल्व हैं। इस बार ऑन फील्ड अंपायर है रिचर्ड इलिंगवर्थ और क्रिस्टोफर गैफनी। क्रिस्टोफर गैफनी काफी अच्छे अंपायर हैं, दोनों ही काफी अच्छे अंपायर हैं। फोर्थ अंपायर है रोडनी टकर, जबकि मैच रेफरी होंगे रिची रिचर्डसन। तो ये रहा फाइनल के पहले कुछ जरूरी अपडेट्स जो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब।